प्रदेश में हिंदी में मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई की शुरुआत करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल आ रहे हैं और अमित शाह लाल परेड मैदान से मेडिकल के हिंदी पाठ्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और इस कार्यक्रम में आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के हजारों छात्र शिरकत कर रहे हैं। छात्र हिंदी में मेडिकल एजुकेशन की शुरुआत को एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। हमारे सहयोगी अतुल पाठक ने इन छात्रों से बातचीत की। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां से मेडिकल स्टूडेंट हिंदी में अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करके और डॉक्टर बन सकते हैं। एक नए युग की शुरुआत है हिंदी के लिए। हम इस वक्त मौजूद हैं आरकेडीएफ कैंपस में, आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्र अमित शाह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। बसों में आप देख सकते हैं कि छात्रों का हुजूम उत्साह के साथ और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो रहा है। ये छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। डॉक्टर देश को स्वास्थ्य प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये एक बड़ी उपलब्धि है कि जो दूर दराज के क्षेत्रों में हिंदी मीडियम से जो बच्चे पढ़े हैं वो बच्चे आज मेडिकल की पढ़ाई करके और डॉक्टर बने, लेकिन भाषा उनके करियर में, उनकी पढ़ाई में आड़े नहीं आए और मातृभाषा में अपना एजुकेशन कर सके, हिंदी की पढ़ाई करके हिंदी मीडियम से डॉक्टर बन सके, ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये बसेस हैं, आप देखेंगे ये बसेस में सवार होकर बच्चे जा रहे हैं। हम बच्चों से भी बात करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे बच्चे उत्साहित हैं, कैसे ये एक नई शुरुआत है। आप बताइए, आप ये जिस तरह से आज मध्य प्रदेश में हिंदी में मेडिकल एजुकेशन की शुरुआत हो रही, क्या मानते हैं इसको आप? ये बहुत अच्छा है, हमारे मोदी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा कार्यक्रम जो हमारे एमपी से शुरुआत हो रही है इसकी, और उसमें भी भोपाल से, ये हमारी बहुत गौरव की बात है। और इसी कार्यक्रम में हम लोग को इन्वाइट किया गया था, तो हम लोग आरकेडीएफ ग्रुप के तरफ से अमित शाह जी के प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर एकता का प्रतीक दे रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ी सौगात हम लोग को उन्होंने भोपाल में आकर दिया। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मोदी जी को और अमित शाह जी को भी करूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात छात्र भी मान रहे हैं। देखिए आप, एक बस यहाँ पर रवाना हो चुकी है और ये सब बच्चे मेडिकल एजुकेशन को हिंदी में लॉन्च करने के अमित शाह के कार्यक्रम के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। ये देखिए बच्चे बहुत उत्साहित हैं। आप बताइए कहाँ जा रहे हैं? हिंदी में अच्छा है, हिंदी में दो ऑप्शन मिल रहे हैं स्टूडेंट्स को, जो हिंदी में, जिसको इंग्लिश में डिफिकल्टी आ रही है वो हिंदी में कर सकता है, जिसको डिफिकल्टी आ रही है वो हिंदी में कर सकता है, उसके लिए और अच्छी बात है। और क्या चाहिए, हिंदी में कुछ आसानी होगी पढ़ाई? हिंदी में यदि मेडिकल एजुकेशन मिलता है, गांव के हिंदी मीडियम के बच्चों को फायदा मिलता है? हाँ फायदा है बिल्कुल, जो वीक है जिसकी इंग्लिश है उसको फायदा मिलेगा, जो फेल हो रहे थे बच्चे फेल नहीं होंगे। अच्छा, तो ये एक बड़ी बात है कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं सिर्फ भाषा की वजह से फेल हो जाते हैं, वो फेल नहीं होंगे। तो ये एक नए युग की शुरुआत, नई क्रांति मध्य प्रदेश के मेडिकल एजुकेशन के इतिहास में, और ये जो शुरुआत हुई है आगे चल के पूरे देश तक बढ़ेगी। और प्रधानमंत्री का यही आह्वान था, यही सपना था कि हिंदी में, मातृभाषा में मेडिकल एजुकेशन, जिसे आज तक असंभव माना जाता था, मध्य प्रदेश उसे संभव करने जा रहा है। कैमरामैन रोहित के साथ अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।